प्रेम से बोलिए श्री आनंदमयी मात की। माँ उपदेश दे रही हैं, परमात्मा अनुभूति का विषय है। शास्त्रों के अध्ययन या बातें सुनकर उनके बारे में कोई धारणा नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र केवल मार्ग बताते हैं। शास्त्रों को मैं स्व अस्त्र कहती हूं। शास्त्रों में विभिन्न मत हैं, उनमें प्रत्येक सत्य है। ऋषियों ने अपनी साधना के जरिए जो कुछ अनुभव किया है उसे शास्त्रों में लिखा है। इस दृष्टि से सभी शास्त्र सत्य हैं। जो नहीं रहता उसी को लेकर रहने का अर्थ है अभाव का स्वभाव। जो चिरस्थाई है उसे पाने की चेष्टा करनी चाहिए। उसे पाने के लिए एक लक्ष्य होना आवश्यक है। एक लक्ष्य होने के लिए मैं ही सब अथवा तुम ही सब, इनमें एक भाव लेकर रहना चाहिए। जीव भाव है बद्ध भाव, जैसे मैदान में घेरा डालकर घेरा बना लेते हो, लेकिन यह घेरा भी मैदान के भीतर ही है। मैं पुनः यह कहती हूं कि जीव के भीतर अज्ञान का पर्दा रहने पर भी उसके दरवाजे खुले रहते हैं। गुरु कहो, मूर्ति कहो, यह सब दरवाजे हैं। इनके माध्यम से बद्ध भाव से मुक्त हुआ जा सकता है। चाहिए केवल एक लक्ष्य का होना। आजकल माताएं लक्ष्मी पूजन करती हैं, उद्देश्य काफी धन दौलत हो, लेकिन मेरा कहना है कि इस तरह की पूजा से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह सब विद्या और धन चिरस्थाई नहीं होते। यह पूजा अभाव की पूजा है। पूजा अगर करनी है तो लक्ष्मी की ना करके महालक्ष्मी की करनी चाहिए। इससे जो धन प्राप्त होता है उसका क्षय नहीं होता। इसी तरह सरस्वती की पूजा ना करके महासरस्वती की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो सके। इससे हम अभाव के राज्य से स्वभाव के राज्य में पहुंच जाएंगे। गिरने पर उठना होता है, असल चीज तो चढ़ने उतरने के बाहर है। प्रश्न, मां गृहस्थ आश्रम में साधना का क्या उपाय है? मां, सेवा और मंत्र जप ही गृहस्थ आश्रम में साधना का उपाय है। प्रश्नकर्ता, अच्छा मां, मंत्र जप क्या एक ही समय करें? मां, रोज दोनों समय शरीर रक्षा के लिए जैसे खाना पड़ता है, वैसे ही प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल स्मरण और जप आदि नियमित रूप से यथासाध्य अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद दिन भर बीच बीच में जैसे जल पीते हो, फल खाते हो, वैसे ही जितना बन जाए उनका स्मरण करने अथवा नाम जप करने की आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता, मां, किसी किसी दिन मन ध्यान जप करते समय खूब जम जाता है और कभी बिल्कुल नहीं जमता, सो क्यों? मां, देखो, इसके अनेक हेतु हैं। तुम्हारे आहार विहार में ऐसा कोई दोष निश्चय ही रहता है जिससे तुम्हारा मन विक्षिप्त हो उठता है, नाम जपने नहीं देता। इसलिए मैं कहती हूं, यदि किसी को इस ओर आना हो तो उसे सबका संग छोड़कर एकांत में रहना नितांत आवश्यक है। हां, गृहस्थों के लिए सबका संग छोड़ना संभव नहीं है। वे सर्वदा सत्संग करें, सद आलोचना करें, सत्पुरुषों से मिलने अथवा उनकी जीवनी पढ़ने से भी चित्त शुद्ध होता है, भगवान की ओर अग्रसर होने में सहायता मिलती है। बहुधा पूर्व जन्म के कर्म भी इस जन्म में सतपथ पर अग्रसर होने में साधक या बाधक होकर सामने आते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव भी इस जन्म में प्रकट होता है। इससे भी कभी कभी कोई भाव प्रबल होकर सामने उपस्थित होता है। हमेशा ही हम जो काम कर रहे हैं वह भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार उनका सदा स्मरण रखा जाए तो यह भगवत बुद्धि संसार से आसक्ति हटाकर उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न कर बहिर्मुखी भावों को अंतर्मुखी कर देता है।
यही उसकी स्वाभाविक गति है। प्रश्न करता, मां मन तो किसी तरह भी स्थिर नहीं होता, मन के स्थिर होने का क्या उपाय है? मां, जैसे घड़े में जल भरा रहता है, जितना देर तक घड़े को हिलाओ डुलाओ उतनी देर तक भीतर का जल भी हिलेगा। घड़े को कुछ देर तक एक जगह स्थिर रूप से रख दो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जल भी स्थिर हो गया है। उसी प्रकार शरीर को अधिक देर तक स्थिर रूप से रखने की चेष्टा करो। जितनी देर तक एक लक्ष्य से स्थिरतापूर्वक बैठ सकोगे उतना ही मन भी स्थिर हो जाएगा। एक ओर मन का जैसे चंचलता स्वभाव है, वैसे ही दूसरी ओर शांत स्थिर भाव भी मन का ही स्वभाव है। प्रश्न करता, मां समाधि किसे कहते हैं? मां, मैं तो कहती हूं बाबा भाव और कर्मों के संपूर्ण समाधान का, समाप्ति का नाम ही समाधि है। देखो, जब अखंड दर्शन होता है एवं अखंड भाव समझ में आता है, उसके अनंतर ही अखंड सत्ता के बोध से अखंड स्थिति होती है, तभी उसकी सविकल्प समाधि का आविर्भाव होता है। जैसे भाव और कर्म की पूर्ण निवृत्ति, डुबकी लगाकर स्नान करना और क्या है, कोई भी अंग सूखा नहीं रह जाता। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।